आइए दोस्तों, आज हमारे पास ये घड़ी है। ये इस तरह खुलता है, आप देख सकते हैं। ये है घड़ी, इसको यूरोपा कहते हैं और ये जर्मनी का बना हुआ घड़ी है। एक चाबी पर अलार्म भी चलेगा, घड़ी भी चलेगा। और यहाँ पे इसका अलार्म सेटिंग बटन है। इसका सेंटर व्हील टूटा हुआ है, इसको खोल के हमको सेंटर व्हील डालना है, पूरा घड़ी सर्विस करना है, तभी हम इसको चला सकते हैं। फिलहाल हम इसको कैसे खोलने का, इसका बारे में मैं आपको जानकारी देता हूँ। आप देखिए, ध्यान से सीखिए और लोगों को सिखाइए। और अच्छा लगा तो आप लाइक बटन दबाइए और बेल आइकॉन दबाइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कुछ सवाल हो तो आप मेरे लिए मुझे भेज सकते हैं यूट्यूब पर, उनका मैं जवाब दूंगा। आइए हम इसको खोलते हैं। अभी इसको कैसे खोला जाता वो देखेंगे। देखिए, अभी आपके सामने ये मशीन है। इस तरह एक ट्रे ले लेता हूँ छोटा सा मैं, और यहाँ पे अभी यहाँ स्क्रू है। सबसे पहले हम चाबी खोल लेते हैं। इसका चाबी खोल दिया हूँ, ये यहाँ रख देते हैं। इसका ये सेटिंग नट खोल देते हैं इसके ऊपर। इससे पहले यहाँ पे इसको दो बेस का स्क्रू है वो खोल देते हैं। यहाँ पे एक स्क्रू है जिससे ये फ्रेम के अंदर फिट हुआ है, वो पहले खोल देते हैं ताकि घड़ी हमारी बाहर आ जाए। घड़ी बाहर आने से फिर हमको काम आसान हो जाएगा। साथ ही साथ ये भी खोल देते हैं, इसके जो बैक कवर का तीन स्क्रू हैं ये खोलते हैं इस तरह। सब एक छोटा सा डिश में डालना ज़रूरी है क्योंकि ये छोटे छोटे स्क्रू है, काम जरा नाजुक है फिर भी, मगर सीखने के लिए सब चीज़ की ज़रूरत होती है। इस तरह इसको उठा लीजिए, ये आ गया इसका। और अभी हम इसका यहाँ पे स्क्रू लूज़ किए थे, वो ज़रा इस बाजू भी है स्क्रू, उसको भी ज़रा लूज़ कर लेते हैं सही ढंग से। तो यहाँ से इसके दो स्क्रू यहाँ पे है, ये देखिए ये दो स्क्रू है, एक दो। और ये रहा घड़ी, ये घड़ी खोल लिया हूँ मैं यहाँ पे। अभी इसमें से कहाँ क्या करना है वो मैं अभी आपको आहिस्ता आहिस्ता बताता हूँ। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको आहिस्ता आहिस्ता इसका जो रैचेट है, इसके रैचेट को हम खोलेंगे। देखो, आपको देखना ज़रूरी है, आहिस्ता आहिस्ता देखिए। और घबराने की बात नहीं है, ये सब चीज़ बन सकता है और बना भी सकते हैं। ये खोलने में थोड़ा दिक्कत जैसा महसूस होता, मगर ये खुल जाएगा, इस पर परेशान होने की बात नहीं है। आहिस्ता आहिस्ता स्क्रू ड्राइवर से चारों बाजू से धीरे धीरे यूँ करोगे ये बाहर आ जाएगा। ओके, ये देखिए, अभी और एक दो बार में ये बाहर निकल जाएगा अपने जगह से। ये रहा, ये ज़रा काफ़ी घिस गया है, इसके कारण ये ज़रा निकलने में तकलीफ दे रहा है, मगर ये निकलता है। देखिए, इसको बोलते हैं रैचेट, ये यहाँ रख देते हैं। अभी क्या करना है, अभी सबसे पहले हमको ये अलार्म सेटिंग का नट डाल के इसका हमको अलार्म कितने बजे हैं वो देख के उसको सेट करना है और घंटी बजने देने का है इसका। ये देखिए, ये बज रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये घंटी बज रही है। तो इसमें क्या होगा, अभी यहाँ रैचेट नहीं रहने से ये पूरा अपने आप अनवाइंड हो जाएगा, इसमें थोड़ा भी वाइंड बाकी रहेगा नहीं, तभी हमको ये घड़ी खोलने में आसान होगा। ये चल रहा है, अभी हम क्या करेंगे, साथ में यहाँ पे इसका रेगुलेटर का बीड है, बीड बोलते हैं इसको, ये प्लास्टिक का चीज़ रहता है, कभी कभी ब्रास का भी आता है इसको, इसको बीड बोलते हैं।
ये बीड को हम पहले निकाल लेते हैं क्योंकि ये खो जाएगा, इस तरह रहता है, ये यहाँ रख देते हैं। अभी हम सबसे पहले बैलेंस खोलते हैं। इसके बैलेंस के दो स्क्रू हैं, इस तरह का स्क्रू ड्राइवर रखिए आप। ये रहा बैलेंस, ये एक स्क्रू इसमें डाल दिए, ये दूसरा इसका बैलेंस का स्क्रू हम खोलते हैं। ये बैलेंस का स्क्रू यहाँ पे डाल देते हैं। अभी ये इस तरह हमारा ट्वीज़र से इसको हल्का सा उठाइए और इसको बैलेंस को बाहर लीजिए। ये रहा बैलेंस, इसको हम इस तरह करके उल्टा गिरा के या इसी में रख देते हैं, इसी में रख देना है। इसको धीरे से उठा के इस तरह रख दें। ये सब नाजुक चीज़ है, इसको ज़रा संभाल के करना पड़ता है, परंतु ये सब हो जाएगा, हम लोगों से काम सही हो जाएगा। अभी क्या करना है, अभी हमको ये ग्लास निकालना पड़ेगा। इसके लिए यहाँ पे चार स्क्रू है, छोटे छोटे स्क्रू है, इन चार स्क्रू को खोलना पड़ेगा। एक यहाँ पे एक है जिससे ये ग्लास पकड़ा हुआ है, वो खोल रहे हैं अभी हम। यहाँ पे एक है, ओके, और यहाँ पे एक है। ये हो गए इसके चार स्क्रू। अभी इसको हम उठाएंगे तो देखिए ये ग्लास अलग हो गया, ये रिंग और ग्लास यहाँ रख देते हैं। अभी इसके चार स्क्रू को यहाँ हम गिरा लेते हैं। देखिए एक दो ये तीन ये चार, चार स्क्रू को हम इसमें डाल देते हैं ट्रे में। अभी क्या करना है, अभी हमको इसका हैंड निकालना है। हैंड मतलब इसका जो ये हैंड निकालने के लिए आप इस तरह का हल्का सा पकड़ से इसको आहिस्ता पकड़ के थोड़ा हिलाओगे ये निकल जाएगा। ये हैंड को रेडियम है, इसको संभाल के यहाँ रख दीजिए। इसके बाद रहा ये दूसरा हैंड को भी हम इसमें से खींच लेते हैं, इसी तरह आहिस्ता ये डाल के। ओके, इसको इसी तरह निकालना पड़ेगा। ये रहा इसका दूसरा हैंड, ये भी यहाँ रख देते हैं। अभी क्या करना है, अभी इसके देखिए यहाँ पे अभी इसमें वाइंड बिल्कुल नहीं है क्योंकि इसको हिलाने से चलता तो नहीं है, हैमर फ्री हो गया है। अभी हमको यहाँ से शुरू करना, ये नट खोल के वापस इसमें रख देते हैं। इसके बाद यहाँ का स्क्रू खोलेंगे हम लोग। काफ़ी टाइम से ये घड़ी खुला हुआ नहीं है, इससे पहले एक बार बना है, मगर किसने बनाया है वो ज़रा देखना पड़ेगा। एक मिनट इसको सही ढंग से देखते हैं, इसको थोड़ा देखना पड़ेगा किसने बनाया। कोई बात नहीं, फ़िलहाल हम उसको रख देते हैं और ये देखते हैं पहला ये क्या है। इसको एक स्क्रू, ये दो स्क्रू, ये तीन स्क्रू इसमें डाल दिए, ये चार स्क्रू इसका, चौथा स्क्रू निकाल दिया। इसके साथ ही याद यहाँ पे एक इसका रैचेट का टेंशन पट्टी होता है, ये निकालना है, इस तरह रहता है देखिए। ओके, इसको यहाँ पे रख देते हैं। अभी क्या करना है, अभी और एक स्क्रू यहाँ पे रह गया है जो खोले नहीं है हम, अभी वो भी खोल देते हैं, वो भी खोल देते हैं। अभी ये भी खोल दिए हमने, ये भी इसमें डाल दिए। अभी आहिस्ता इस प्लेट को उठाएंगे। ओके, देखिए इस प्लेट को उठाया,
बैरल इसके साथ ही आ गया है, इसको निकाल ले सकते हैं बैरल। इसमें ज़रा ये जमा हुआ है, गंदा हुआ है, इसके वजह से चिपक के आया है। अभी हमको क्या देखना है, इन सब के व्हील के नाम भी बताना है आपको। ये रहा हैमर है, ये रहा एस्केप व्हील, ये रहा इंटरमिटेंट व्हील, ये रहा बैरल, और यहाँ पे अभी क्या क्या आएगा, ये रहा लीवर, ये रहा एस्केप व्हील, ये रहा सेकंड व्हील, ये रहा थर्ड व्हील, और ये रहा सेंटर व्हील। यहाँ पे अभी हमको ये प्लेट भी खोलना पड़ेगा, क्योंकि सेंटर व्हील का काम हमको बाकी है। इसलिए हम क्या करेंगे, अभी सेंटर व्हील को खोलने के लिए ये प्लेट निकालना पड़ेगा। ये प्लेट के तीन स्क्रू हैं, उस तीन स्क्रू को हम खोलेंगे यहाँ से। ये स्क्रू सब एक साइज़ के हैं, सिर्फ एक स्क्रू इसमें अलग साइज़ का आता है, वो है वो रैचेट पट्टी का जो स्क्रू है, वो एक ही एक अलग साइज़ का है, वरना ये सभी स्क्रू एक जैसा है, और कौन सा भी स्क्रू किसी भी जगह में बिठा सकते हैं। अभी हम देखेंगे, ये तीन स्क्रू खोलते हैं। एक स्क्रू खुल गया, ये खुला नहीं है, इसको और थोड़ा खोलना पड़ेगा। ये रहा दूसरा स्क्रू, और एक स्क्रू यहाँ पे है, इसको खोल देते हैं। ये रहा इसका तीसरा स्क्रू। अभी हमको ये प्लेट उठाना है। ये प्लेट उठाने के बाद ये रहा अलार्म सेटिंग व्हील यहाँ पे, और ये रहा अलार्म सेटिंग हैंड। ये दोनों को अभी इसका काम अभी कुछ नहीं है, इसको यहाँ रख देते हैं। और यहाँ पे क्या क्या है वो देखते हैं। ये है इसका आवर व्हील, ओके। ये रहा इसका टूटा हुआ सेंटर व्हील, सेंटर व्हील का रॉड है, ओके। ये रहा इसका सेंटर व्हील, यहाँ पे लगा हुआ है, मगर ये निकल जाएगा, बाहर आ जाएगा, उसका कोई तकलीफ नहीं। ये जो है अलार्म सेटिंग का व्हील है, ये भी यहाँ रख देते हैं। अभी यहाँ पे एक स्क्रू है, ये छोटा स्क्रू होता है साइज़ में, इसको हम खोल लेते हैं। ये खोलने से हमारा जो है ये स्क्रू यहाँ डाल देते हैं। ये अलार्म सेटिंग का पट्टी है, इसको सिर्फ उठाना है इस तरह। इसको उठाओगे जगह से ये निकल जाएगा। ये देखिए, ये अलार्म सेटिंग का पट्टी है, दिखता कुछ अलग है, मगर परेशान होने के जैसा कुछ नहीं है। ये है मिनट व्हील, ओके। अभी देखिए, ये रहा हमारा सेंटर व्हील। अभी ये सेंटर व्हील, इसका जो सेंटर व्हील सही हो गया है, मगर सेंटर व्हील का रॉड जो है, ये देखिए, ये रॉड जो है ये यहाँ से टूटा हुआ है, इस बाजू से टूटा हुआ है, इसके वजह ये चल रहा नहीं। अभी हमको क्या, इसके लिए नया सेंटर व्हील का रॉड और कैनन पिनियन दोनों नया डालना पड़ेगा। इसको फिलहाल यहाँ रख देते हैं। अभी हम सब चीज़ के नाम जान लेंगे फिर से एक बार। ये रहा अपर प्लेट, ये रहा लोअर प्लेट, ये रहा सेंटर व्हील यहाँ पे आएगा, ये रहा मिनट व्हील, ये रहा आवर व्हील, ये रहा अलार्म सेटिंग व्हील, और ये रहा अलार्म सेटिंग का पट्टी, और ये रहा बैरल जिससे दोनों चलता है। बीच में रखता हूँ, ये दोनों चलने का ये साधन ये है, और इसको बोलते हैं अलार्म इंटरमिटेंट व्हील, इसको बोलते हैं अलार्म एस्केप व्हील, इसको बोलते हैं हैमर। अभी आपको ये सब नाम याद आ गया होगा। अभी मुझे काम इसमें क्या क्या है, मुझे इन सब चीज़ को सही रख के, इन सब को सही ढंग से क्लीन करके, और इसका सेंटर व्हील का बंदोबस्त करके सही ढंग से क्लीन होने के बाद मैं आपको ये कैसा जोड़ा जाता है और इसका बैलेंस कैसे क्लीन किया जाता है, वो सब चीज़ आपको बताऊंगा। तो आइए अगला वीडियो में मिलते हैं। हाँ, बाय।